वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इसे आलमगीर मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद के वजूद को लेकर अदालतों में कई सालों से बहस चल रही है। इसी बीच ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ है। वाराणसी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी में पूजा पाठ की इजाजत मिलने के बाद एक तरफ जहां हिंदू पक्ष खुशी से झूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में मुसलमानों में अब ज्ञानवापी मस्जिद खोने का डर सताने लगा है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का आरोप है कि जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। तो चलिए हम आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मस्जिदों के अंदर से मंदिर निकालने में लगा दी, जो कि कहते हैं कि इतिहास के साथ उलटफेर करके देश की बहुसंख्यक आबादी को भटकाया गया है। जानबूझकर हिंदुओं से वो सब कुछ छुपाया गया जिसके बारे में जानने का उन्हें अधिकार था। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन की। इन दिनों पिता पुत्र ने मिलकर जमीन के अंदर दबे इतिहास को खोज निकाला और कोर्ट तक घसीट कर ले गए। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है हरिशंकर जैन। हरिशंकर जैन मूल रूप से यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने 1976 में लखनऊ में हाई कोर्ट की पीठ से वकालत की शुरुआत की थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए। पुरानी रिपोर्ट्स पर गौर करें तो हरिशंकर जैन अपनी माँ से मिले संस्कारों की वजह से ही हिंदुत्व के करीब आए। इन्हीं संस्कारों का नतीजा रहा कि जब अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद गहराया, तो माँ की 13वीं के अगले दिन यानी कि 20 दिसंबर 1992 को वो इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। बताया ये भी जाता है कि हरिशंकर जैन को इस मामले में मुस्लिम पक्ष रखने के लिए प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि का केस जीतने में हरिशंकर जैन की भूमिका अहम मानी जाती है। विष्णु जैन भी अपने पिता हरिशंकर जैन की तरह एक तेज तर्रार वकील हैं। 9 अक्टूबर 1986 को जन्मे विष्णु जैन भी इसी प्रोफेशन में आ गए। 2010 में बालाजी लॉ कॉलेज से डिग्री लेने के बाद पिता के मार्गदर्शन में वकालत शुरू कर दी। साल 2016 में विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की परीक्षा पास की तो श्रीराम जन्मभूमि मामले में पिता का साथ देने लगे। बड़ी बात तो ये है कि पिता पुत्र की ये जोड़ी फिलहाल हिंदू धर्म से जुड़े 100 से ज्यादा मामलों में पैरवी कर रहे हैं। इन मामलों में अयोध्या का मामला तो हल हो चुका है, अब इन दोनों की नजरें फिलहाल काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर है। उनको समझ में आ गया है कि अगर सर्वे हो गया तो जैसे अयोध्या था काशी में ओपन हो गया सर्वे के बाद, तो ये भी ओपन हो जाएगा। और यही नहीं, हमारा काम इस समय बहुत मंदिरों पर चल रहा है, खाली काशी मथुरा तक ही सीमित नहीं है। जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई हैं, उनको हमारी टीम ने संकल्प लिया है, ईश्वर की कसम ली है कि एक को हम वापस लेंगे। हरिशंकर जैन का दावा है कि इन जगहों पर हिंदुओं का हक है, क्योंकि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जो दावा कर रहे हैं, अब वो दावा सच होता नजर आ रहा है। ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे में कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में मंदिर हुआ करता था जिसे मुगल शासक ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया है। ऐसे में हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि देर से ही सही कोर्ट के जरिए अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी उन्हें अपना हक मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।